गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका नए दिन में नए व्लॉग में। और आज हम कार्डियो करने आ गए हैं बाहर। चाय वाय के सिनेमैटिक्स अभी नहीं दिखाए क्योंकि वो सब खत्म वतम हो गई थी, बन बुना गई थी जल्दी। ठीक है, तो मैं बिना चाय पिए ही आ गया क्योंकि आज लेट होने के चांसेस बढ़ रहे थे और वो चाहता नहीं था मैं। तो आज हम इधर खुले एरिया में थोड़ा सा कार्डियो करेंगे। ठीक है, बादल देख रहे हो उधर, सन दिख रहा है, कैन यू सी द सन? वो देखो, अब आपके किसी एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि मैंने बोला था ना कि आपकी कौन सी मसल ग्रो नहीं हो रही है, मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एक ने बोला था भैया घर पर डंबल ही है और मैं डंबल रोज करता हूँ और मुझे बैक में अच्छा खासा स्टिमुलस, मतलब मेरी बैक ग्रो नहीं हो रही। और एक ने यही सेम चीज अपने डेल्ट्स को लेके पूछी थी, ठीक है, लेकिन उसके पास जिम एक्सेस थी। तो मैं बैक के लिए एक टिप दूंगा, उसको अप्लाई करना, डेल्ट्स के लिए भी एक टिप दूंगा, उसको भी एग्जीक्यूट करने लग जाना, और सब्र रखना क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पूरा सब्र का खेल है। न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, स्लीप अच्छी रखनी है, इधर से किसी तरीके की टेंशन एंजाइटी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। रुको, इसको कहीं पर मैं नीचे रख देता हूँ फ़ोन को। अरे यार, ये कुत्ते ना आ जाएं, ये देखो छोटू घूम रहा है पीछे। ठीक है, मैं दिख रहा हूँ ना सही से? हाँ, मैं दिख ही रहा हूँ सही से। मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ तो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी, पर एडजस्ट कर लेना, आपको मैं टिप तो दे ही सकता हूँ। डंबल रोज वाले भाई का सवाल का जवाब पहले देते हैं। भाई, अगर डंबल रोज आप कर रहे हो मान लो इस तरीके से, और आपकी ड्राइव आपकी एल्बो नहीं है, आपका ड्राइव आपका फोरआर्म है, इस पार्ट से आप खींच रहे हो बस, ठीक है, और इस तरीके से कुछ कर रहे हो, तो आप अपनी बैक कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और यही 90% केसेस में लोग मिस्टेक करते हैं। आपको जब भी अपनी एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करनी है बैक की, चाहे लैट्स पुल डाउन कर रहे हो, चाहे चेस्ट सपोर्टेड रो कर रहे हो, चाहे डंबल रो कर रहे हो, चाहे लैंडमाइन रो कर रहे हो, आपकी ड्राइव आपकी एल्बो होनी चाहिए। आपको एल्बो से पुल करना है, एल्बो आएगी पहले। और क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये एल्बो आपके लोअर बैक की तरफ ट्रैवल करे, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आनी चाहिए, ऐसे नहीं जाएगी कभी भी। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा दूर जाएगा आपका हाथ आपके टॉर्सो से या फिर आपके लोअर बैक की तरफ से, जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ज़्यादा आपके रियर डेल्ट बायस एक्सरसाइज बन जाती है, आपके रियर डेल्ट ज़्यादा इंगेज होने लग जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, लैटरल रेज कभी भी आप डंबल से मत करो, कभी भी आप लैटरल रेज फ्री वेट से मत करो। उसके लिए आपको केबल से करना है, केबल लैटरल रेज, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके डेल्ट पे टेंशन बनी रहती है। क्योंकि हम जब लैटरल रेज करते हैं तो हम डंबल से बहुत ज़्यादा स्विंग करते हैं, जिस वजह से आपको शोल्डर में प्रॉब्लम हो सकती है। कंट्रोल्ड वे में भी अगर आप लैटरल रेज कर रहे हो तो भी वो आपके केबल लैटरल रेस से कम इफेक्टिव है। और आप केबल लैटरल रेस अगर करते हो तो आप अपने रियर डेल्ट में ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। और उसको करना कैसे है, वही स्लो एंड कंट्रोल, जैसे डंबल लैटरल रेस करते हैं ना वैसे ही केबल से करना है, लेकिन उसको स्लो करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमको ना डेल्ट फील नहीं होता है लैटरल रेस जब हम करते हैं केबल से, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। आपके जिम में कफ्स हैं जो एंकल कफ्स आते हैं एक पैरों में बांध के, या फिर कोई सा वो हैंडल ही ले लेना, कौन सा, लोहे वाला हैंडल नहीं, वो जो पुलिंग मूवमेंट जिससे आप करते हो ना, वो हैंडल एक आता है वो ले लेना, जो लोहे वाला मत लेना, कपड़े वाला लेना जिसमें कपड़े का वो रहता है, कपड़े की रिंग रहती है, लोहे वाला लोगे तो आपको हाथ में दर्द हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ उससे क्या करना है आपको। अब जब आपने मान लो वो कफ ले लिया, वो हैंडल वाला, उसको केबल में अटैच किया, नीचे अटैच्ड है केबल का वो सेटअप, नीचे अटैच्ड है, उस कफ को लाओ और अपने हाथ को उस कफ में घुसा लो और उस कफ को यहाँ अटैच कर लो, वो नीचे कर दिया है। अब आपको यहाँ से वही उसकी रॉड पकड़ के केबल लैटरल रेस करना है स्लोली, यहाँ अटैच्ड है, यहाँ पकड़ने के बजाय उसको यहाँ अटैच कर लो एंड परफॉर्म केबल लैटरल रेस। एक तो यहाँ से स्टेबिलिटी मिल जाएगी और आपको स्लोली परफॉर्म करना है जिससे आपके लैटरल डेल्ट पे अच्छा खासा लोड आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जब नॉर्मल प्रेसेस कर रहे हो, नॉर्मल डंबल प्रेस कर रहे हो, तो उसमें क्या ध्यान रखना है, अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में जो आपकी बॉडी की रेंज ऑफ मोशन है उसको रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि दूसरों को देख के यहाँ नीचे तक ले आए और इंजरी करवा ली। आप अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो, और इस तरीके से नहीं करना है ट्रेन, ये इस तरीके से आपकी एल्बो थोड़ी सी आगे को रहेगी और इस तरीके से आपको ट्रेन करना है एज स्लो एज पॉसिबल, दैट्स इट। और रियर डेल्ट के लिए यू कैन ऐड
बैंड पुल अपार्ट एक्सरसाइज है, ये सबसे सही है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टिमुलस टू योर रियर डेल्ट, दैट्स इट। और इसके साथ रखना है सब्र। चलो बहुत तेज हो गई अब धूप, अब जिम में मिलते हैं, बाय। अक्षय ने भी आज नीबेट्स पहने, कौन से वाले पहने भाई? SBD वाले खरीद लिए तूने? बहुत सही भाई, आज हमारी नीज की सुरक्षा SBDs करेंगे। SBDs पे निर्भर नहीं रहना है, दूसरी चीजें भी सही रखनी है। आज मैं दिखाऊंगा आपको, दो तीन नई बातें बताता हूँ। चलो, वैसे तो आई एम फीलिंग ग्रेट, बट इनको मैंने पहन लिया है जिससे आज मैं जब एंड रेंज में जाऊँ, एंड रेंज ऑफ मोशन में, तो कोई प्रॉब्लम ना आए, और लाइट वेट से ही जाऊँगा वो भी मैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन एंड दीज नेसेसरीज, कुछ फैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 500 ISO से चालू ही हो रहा है वो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड किया है कि पहला हम लेग प्रेस लेंगे, लेग प्रेस के 4 to 5 टोटल सेट्स लेंगे, लाइट वेट से चालू करेंगे, 20-20 की 2 प्लेट, विदाउट रिस्किंग अवर, वो वाली रेंज ऑफ मोशन में नहीं जाएंगे जहाँ पे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, हिप पेल्विक जॉइंट में कुछ हो, कम रेंज में ट्रेन करेंगे। एंड आफ्टर दैट लेग एक्सटेंशन, वही हैमस्ट्रिंग कर्ल, एक एक्सरसाइज ग्लूट्स के लिए। आज एडक्टर मशीन शायद ठीक है, देखेंगे उसको, अगर वो नहीं ठीक नहीं है क्या, देख लिया, अडक्टर आज भी बेकार है, वो सिर्फ दिखाने के लिए रखी है जिम में कि हाँ हमारे पास अडक्टर भी है। तो बस फिर हम स्लेज पुश कर सकते हैं अडक्टर की जगह, दैट्स इट। ये है आज का पूरा वर्कआउट। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ऊपर रखोगे तो आपका ग्लूट इंगेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे आने लगोगे वो क्वाड फोकस भी होती जाती है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखने पे भी सेम चीज़ होती है। आप अपने लेग प्रेस पे अपने पैरों का प्लेसमेंट बदल बदल के अपने मसल्स के बायसेस बदल सकते हो। अभी हमको क्वाड फोकस्ड ही करना है, और उसके बाद रेंज ऑफ मोशन सबसे पहले देखो मेरी कहाँ तक है, कहाँ तक में मुझे पेन नहीं हो रहा है। ये लाइट वेट है तो इसमें मैं एंड रेंज में जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये एंड रेंज नहीं है लेकिन धीरे धीरे खुलेगी। दिस इज एंड रेंज, अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो ग्रिप है उसको ऊपर की तरफ खींचना है जिससे आपका जो हिप है वो नीचे की तरफ एक प्रेशर में रहेगा, और नीचे की तरफ आपको एक ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ये ऊपर की तरफ खींचना, लाइक यू आर पुलिंग समथिंग, इस तरीके से हिप को आपको स्टेबलाइज करने में हेल्प मिलेगी, और इस पूरे रेप में स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। मैंने जो अपना वार्म अप सेट लिया था वो 20-20 की 2 प्लेट से लिया था, उसको वार्म अप सेट कंसिडर करेंगे। उसमें मैंने रेप रेंज 12 रखी थी, 12 के आसपास। दूसरे सेट से हम चालू कर रहे हैं, तो मेरा दूसरा सेट किया 3 प्लेट से, ये अब मेरा जो है ये मेरा तीसरा सेट है, इसके बाद चौथा, पांचवा। पांचवे सेट हम देखेंगे कि वेट इंक्रीज हो पा रहा है नहीं, या फिर चौथे सेट में ही हम अपने इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे, और उसके तुरंत बाद पांचवा सेट ड्रॉप हो सकता है। तो ऐसे पांचवे, तो ड्रॉप सेट भी आपका सेट कंसिडर होता है। अभी एक भाई ने पूछा था कि ड्रॉप सेट को सेट माने या नहीं, हाँ उसको सेट मानो, वो आपका लास्ट सेट है, पांचवा एडिशनल सेट। तो बेसिकली हमारे मेन सेट तो 4 रहेंगे, तो एक मेरा था लाइट वेट से वार्म अप सेट, ठीक है उसको सेट नहीं मानेंगे। पहला सेट मेरा 3 प्लेट से था, अब दूसरा सेट मेरा 4 प्लेट से है, उसका तीसरा सेट होगा 5 प्लेट से। अब वो पांचवी प्लेट शायद 5 या 10 किलो की हो सकती है। Oh.
नाइस। पहले मैं गलती क्या करता था, एक्चुअली मैंने ना यहाँ पे 6 प्लेट से इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया है, लेकिन पहले मेरी गलती क्या हो जाती थी, और ये गलती 2 हफ्ते पहले की है, मैं एकदम एंड रेंज में चला जाता था और पुश कर लेता था, क्योंकि वो एक बम्प आता है एकदम से नीचे जाते हो बम्प आता है, पुश हो जाता है हैवी वेट। लेकिन उस बम्प की वजह से, उस झटके की वजह से मैंने ये फील किया कि भाई लॉन्ग रन में ये चीज़ बहुत बेकार है। इस चीज़ को अगर करते रहे तो किसी दिन उसी झटके के साथ आपका लिगामेंट टियर हो सकता है, तो कभी भी रिस्क नहीं लेना है। हमको लगता है कि ये स्मिथ मशीन कह रहा हूँ, लेग प्रेस आसान है सेफ है, तो उसमें बस पुश ही तो करना है। बहुत सारे केसेस में मशीन में भी इंजरी हो जाती है लोगों को, लेग प्रेस में तो ज़्यादा हो जाती है। वीडियोज़ आए हैं बहुत सारे, 10 reps आनी चाहिए अक्षय, 10 reps कम रेंज में आएगी चलेगा, वही तो बता रहा हूँ, 10 10। चल 1 3 4 इधर से पकड़ के नीचे खींच खुद को, हाँ इसको ऊपर पुल कर, हाँ 5 पूरी ताकत से पुल कर, और रेप आ सकती है, 6 चल चल चल, 7 जितनी ताकत यहाँ लगाएगा ना आराम से आएगी रेप, 8 स्टेबिलिटी बढ़ती है, 9 चल चल चल, 10 बहुत बढ़िया, और ले रहा है, चल चल चल, 1 चल, 2 बहुत बढ़िया, सही है बॉस। अभी अक्षय ने ले लिए यहाँ पे 10 रेप, मैं सोच रहा हूँ 1 प्लेट और बढ़ाऊँ और 6 to 8 reps के बीच में ट्रेन करूँ, 20 की 1 प्लेट और बढ़ाते हैं मुझे, क्योंकि 5 सेट लेने हैं, ठीक है, तो ये मेरा दूसरा सेट, तीसरा सेट था नहीं दूसरा, हाँ अब ये तीसरा सेट है, मैं 10 की प्लेट लगाऊंगा, तीसरा सेट लूंगा और उसके बाद चौथा सेट में ये पूरी की पूरी प्लेटें 20-20 की 5 प्लेट हो जाएगी, आफ्टर दैट आई एम गोना टेक ड्रॉप सेट। तो ये जो 10 का वेट मैं बढ़ा रहा हूँ ना, ये इसीलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि डायरेक्टली मैं 5वें सेट पे जंप ना करूँ, मैं धीरे धीरे वेट इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कभी भी देखा देखिए मैंने अभी, तो आज मुझे मोटिवेशन आ गया क्योंकि अक्षय खुद 10 दिन बाद इसने वेट इंक्रीज किया अपना, और इसको देख के मुझे लग रहा है कि भाई मुझे और लगाना चाहिए, मुझे और थोड़ा सा पुश करना चाहिए, इसलिए मैं 5 प्लेट तक जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा यहाँ पे 4th प्लेट में और ये मेरा लास्ट सेट हो जाता। पर करते हैं, लेट्स ट्राई, 6 to 8 reps आनी चाहिए। आ गई, अभी 20 कर देंगे इसको पूरी, 5 की प्लेट और 6 रेप, अभी 8 आई है, अब 6 रेप, देन ड्रॉप में लेंगे 12 से 15 के बीच। ये सब मैं आपको बताते इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं कुछ लिखता विकता नहीं हूँ, मैं इसको रॉ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो तो कर सकते हो, मुझसे ताकत ज्यादा है तो थोड़ी सी हायर इंटेंसिटी पे, मुझसे ताकत अगर कम है तो थोड़ी सी लोअर इंटेंसिटी पे, ताकि आप लोगों को भी इन एपिसोड से फायदा मिल सके। कोई फॉलो कर रहा है अगर तो आप लोगों के भी इन एपिसोड से मसल बिल्ड हो सके, इसलिए मैं बताता रहता हूँ। सो 5 प्लेट्स लेट्स गो, दोनों तरफ फोकस। भैया नहीं, भैया को पता ही ना रहे, भैया थोड़ा सा नहीं खड़े रहो, वो देख लेना बस, फोन में आगे मत आ जाना, तुड़वा लूं पैर रेंज ऑफ मोशन में जाके एंड में एकदम। नहीं जा पाऊंगा एंड में, एक और। भैया को वही बोला था, उन्होंने वही किया कि आगे से मत निकलना, 2 निकाल दे। तो 2 प्लेट निकाल रहे हैं हम, एक ही निकाले क्या, चल 2 निकाल दे भाई, ज्यादा चौधरी नहीं बनना है। Ugh.
दो और, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लेग प्रेस सेट जितने भी हुए, पांच सेट हो गए। हाँ, आखिरी के जो 10 या 11 नंबर ऑफ रेप्स लिए हैं मैंने, पांच पांच की प्लेट से, ये मैंने पहली बार लिया है। अदरवाइज मैं 7 to 8 रेप में करके मैं रैक कर देता था। तो काफी दिन बाद अगर ट्रेन करते हो तो एनर्जी रहती है, आप पुश कर सकते हो अपने लिमिट्स को, खाए अच्छे से रहते हो, सोते अच्छे से हो, ठीक है, सप्लीमेंटेशन ऑन पॉइंट है, तो उस दिन आप थोड़ा सा रिस्क लेके अच्छा खासा आप एकदम पंप वाला म्यूजिक सुन के अपने लिमिट्स को पुश कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज है हमारे ग्लूट्स के लिए, लोअर बैक के लिए 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन, और इसमें भी 4 सेट तो कम से कम लगेंगे ना भाई साहब। चलो लेते हैं। बारह रेप आई है 45 kg से, अभी 10 लेंगे और 50 से फिर 8, देन ड्रॉप 40 कडम्बल ले और 8 रेप्स देना पॉज, ठीक है, और उसका ड्रॉप सेट में 10 रेप्स आने चाहिए 8 पॉज के साथ, ऊपर पॉज देना एक छोटा सा ना, रेंज कम रखेगा चलेगा, 1 और ऊपर जा, 2, चल 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 पॉज बढ़ा, 3, बहुत सही, 4, चल 4 और, 4, चल 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 आएगा आएगा, 3, कम ऑन, नाइस, 2, चल 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 एक और, चल 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 आएगा आएगा, बहुत बढ़िया, रख दे धीरे से, अब सुन 10 के ऊपर आनी चाहिए, पॉज के साथ ही लेना है ये भी, जल्दी जल्दी नहीं, 1, 2, come on, 3, चल चल चल, 4, चल चल चल, 5, चल चल चल, 6, 10 लेनी है कम से कम, चल, 7, आएगी आएगी आएगी, चल, 8, मुंडी मत उठा, टॉर्सो भी उठा ऊपर, 9, चल लास्ट, चल चल चल, बहुत बढ़िया। जल्दी अगर आपको पहुंचना है स्टिमुलस तक तो आप ऐसे ही करो, थोड़ा सा हैवी वेट ले लो, उससे नंबर ऑफ रेप्स कम कर दो, क्योंकि ज्यादा रेप्स लोगे तो फॉर्म बिगड़ेगा। हैवी वेट मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा सा हैवी नहीं, एकदम मॉडरेट वेट, जितना आप जो आपकी पुशिंग लिमिट है उससे थोड़ा सा ज्यादा लो, सुपर हैवी नहीं, और नंबर ऑफ रेप्स थोड़े से रिड्यूस करके उसके तुरंत बाद आप ड्रॉप सेट ऐड कर दो, उससे ज्यादा नंबर ऑफ रेप्स में। सपोज करो हैवी से मैंने 10 रेप लिए तो 12 रेप का हमने एक ड्रॉप सेट ऐड कर लिया, 45 kg, ठीक है, एंड 10 रेप्स। कोई यहाँ पे वो झांकी हवाबाजी नहीं चल रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि इतना इतना मैं इतनी कैपेसिटी के साथ लेता हूँ, और आप भी धीरे धीरे इसी तरीके से प्रोग्रेस करिए। इस पॉज के साथ करो, मजा आ जाएगा 30 किलो में भी। बस ओ बाप रे, ज्यादा आ गई गाइस, ज्यादा आ गई, 50 किलो से भी करना है अभी, एंड दिस इज नॉट द हैवीएस्ट डंबल ऑफ आवर जिम, 50 किलो का है, लेंगे उससे भाई चक्कर से आ रहे। अभी आई एम नॉट गोना रिस्क माय लोअर बैक, कम रेंज ऑफ मोशन में लेंगे लेकिन 8 रेप लेंगे, एंड तुरंत बाद ये 30 kg का छोटू वाला डंबल, उससे 10 मैक्स आ जाएं वही बहुत है। चलो द परफेक्ट स्पा, ये आ गया मुंह पे खून, मैं बच गया अंगूठा भी, नहीं तो अंगूठे पे भी खून आ जाता। चलो 10 रेप, दो
सॉरी हे राम, मजा आ गया। जो हैमस्ट्रिंग होती है ना हमारी, हैमस्ट्रिंग वो लोअर बॉडी का बाइसेप्स कहलाता है, ठीक है, जो कि बहुत कम में स्टिमुलेट हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख भी वही देता है ग्रो होने में। और हैमस्ट्रिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपका जो क्वाड मसल है वो ज़्यादा भरा भरा दिखता है। हैमस्ट्रिंग के साथ एक इम्पॉर्टेंट मसल जो है वह आपके अडक्टर्स भी अगर अच्छे खासे डेवलप्ड है ना तो आपका क्वाड भरा भरा दिखता है। और आज अक्षय अडक्टर मशीन सही हो गई है, इसके भी लेंगे सेट, मेरे को याद दिलाना। इसको जल्दी ख़त्म करते हैं, लेकिन करूँ चल भाई ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया, स्लो लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, इन सब में आपको क्या करना है, सब में लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन में, सब में नहीं, उसमें आपको बाल्टी उठानी है जमीन पे से, ये पकड़ के ऊपर खींचना है जिससे आपके जो ग्लूट्स से नीचे की तरफ प्रेस होंगे स्टेबलाइज, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज योर क्वाड्स। और बहुत प्यारा आपके क्वाड्स पे कॉन्ट्रेक्शन आएगा। हाँ, किसी ने बोला था बेल्ट भी बांध सकते हो इस तरीके से, वो पैड वाला यहाँ पे लेग एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे आ जाता है और उसमें फिर लेग एक्सटेंशन करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन ठीक है, अब जो नहीं है तो नहीं है। हमारे हाथ ही हाथ कम मजबूत हैं क्या? एक से ही वेट बढ़ाएंगे अब, एक प्लेट से। तो हम जब ये 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन कर रहे थे, वहाँ पे रेजिस्टेंस आपके हैमस्ट्रिंग पे भी क्रिएट होता है। उसके करने के बाद हमने जब ये किया, जो दूसरा सेट था उसमें मुझे अच्छा खासा स्टिमुलस मिल गया, क्योंकि वहाँ पे मिला हुआ था, इसके दूसरे सेट में अच्छा खासा हैमस्ट्रिंग को मेरे स्टिमुलस मिल गया। अब मैं वेट जो इंक्रीज कर रहा हूँ वो कम से कर रहा हूँ, लोअर रेट से वेट इंक्रीज कर रहा हूँ। इसका सिर्फ ये समझाने का मतलब इतना था कि ज़रूरी नहीं है कि जिस एक्सरसाइज को आप करने जा रहे हो, जैसे हैमस्ट्रिंग के लिए ये अलग से मैं करने जा रहा हूँ, ये मैंने कर ली है, उसी में ही आपको पूरी जान लगा देनी। आप ये भी ध्यान में रखो कि उससे पहले कोई ऐसी एक्सरसाइज करी थी क्या जिसमें ऑलरेडी आपके हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, अगर करी थी तो आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस उस मसल के लिए जो स्पेशली मशीन बनी है आप नहीं दे पाओगे। तो जो वेट इंक्रीज कर रहे हो वो थोड़ा धीरे रेट से, कम रेट से करो, क्योंकि हमको फॉर्म को, रेप को, जो आप रेप परफॉर्म कर रहे हो, कितने प्यारे रेप्स आ रहे हैं, इनको प्रायोरिटाइज करना है। तो अभी इसमें शायद मेरा आखिरी के 3-4 रेप में फॉर्म बिगड़े तो मैं रख दूंगा, लेकिन 8-10 रेप में कोशिश करूंगा क्लीन लूं। ड्रॉप आएगा, अब ड्रॉप सेट में भी फिर से 10 रेप ही लेंगे, 8 ही मान के चल रहा हूं। इसमें मैंने ड्रॉप सेट में क्या किया है, अपने इसेंट्रिक को कंट्रोल किया है, स्पीड से लाया है और धीरे धीरे नीचे ले के गया हूं मैं, तो ये भी एक तरीका है फेलियर तक पहुंचने का, और आ चुका है।
कम रेंज में। हाँ, बड़ी खुशी की बात है भैया कि हमारी ये वाली मशीन ठीक हो गई। ठीक हो गई ना? हाँ ठीक हो गई है। मशीन पे आने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, पर अभी ये एंड रेंज है, इसके आगे नहीं जा सकता मैं, मशीन ही नहीं जाएगी। यहाँ पे प्लेटेज सिर्फ दो ही है, कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है। धीरे धीरे 12 से 15 रेप में हम जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 11, 12, 13, 15। इस तरीके से आप अनरैक ना करें, आपको इंजरी हो सकती है। कोशिश करो कि किसी को बुला लो। यहाँ पे तो कोई है नहीं और मेरे शोल्डर में स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं पुश कर ले रहा हूँ। इस तरीके से नहीं करना। इसका कोई आसान तरीका भी हो सकता है, आप लोग बताना मेरे को कमेंट में। बाप रे, देखो आज मैं प्रॉपर अपने एडक्टर मसल को फील कर पा रहा हूँ। इवन मैं जब लेग रेज ये काफ रेजेस कर रहा हूँ ना, तो भी मेरे एडक्टर्स भरे भरे लग रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि सबसे कम ट्रेंड मसल है वो, सबसे कम उसकी ट्रेनिंग हुई आज तक जीवन में, इसीलिए वो जल्दी तड़प उठती है, जल्दी स्टिमुलस आ जाता है उसमें, तो यही रीज़न है। अब ये वीकनेस है, एकदम से मान लो कभी ऐसा कोई सिनारी होता है, मैं इस तरीके का लैटरल जंप लेता हूँ, ठीक है, या फिर इधर को मैं जंप लेता हूँ, तो मेरे एडक्टर्स अगर वीक हुए, या फिर कोई सी भी ऐसी, सपोज करो मैं लंजेस कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे जंप लंजेस कर रहा हूँ, या फिर रियल लाइफ सिनेरियो में कभी मैं जंप करता हूँ ऊपर से, ठीक है, तो होता क्या है, एडक्टर्स पे एकदम से लोड आता है और वहाँ पे टियर हो जाता है, या तो स्प्रेन हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए सारे मसल को आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, एक भी मसल आपका ढीला नहीं छूटना चाहिए। चलो एडक्टर्स, मैं गाने कैसे सुनता हूँ पता है, ये देखो आपको सुनाता हूँ। अरे बंद हो गए, एकदम देसी बॉलीवुड गाने, कभी कभी फोंक चालू हो जाता है। चलो हाँ, अपडेट देना भूल गया, एक प्लेट बढ़ाई है। 7, 8, 9, 10। गया कैमरा। हाँ, तो ये जो स्टैंडिंग काफ रेजेस है और जो सीटेड काफ रेजेस है, ये दोनों ही वैसे तो जरूरी है, दोनों ही ले सकते हो, लेकिन अगर समय कम है, वर्कआउट लंबा खींच रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपका ये जो सिर्फ स्टैंडिंग काफ रेज है उसमें आप चले जाओ फेलियर तक, बहुत है, क्योंकि इसमें आपके जो काफ है वो लेंथेंड में ट्रेन हो जाते हैं, लेंथेंड में ज्यादा आप फेलियर तक जा रहे हो, तो अच्छी अच्छी तगड़ी हाइपरट्रॉफी आती है। दैट्स इट। तो मैं एक प्लेट वापस से इंक्रीज कर रहा हूँ, अब रिस्क है थोड़ा सा, एडक्टर यहाँ पे नहीं तो हो जाएगा, तो मैं एक प्लेट इंक्रीज करके 10 रेप लूंगा, और 10 अगर नहीं आती, मान लो 7-8 में भी अगर अच्छा खासा स्टिमुलस आ जाता है, नियर फेलियर आ जाता हूँ, तो मैं रख दूंगा, मैं आगे नहीं करूंगा, फिर तुरंत बाद एकदम खाली करके ड्रॉप सेट लेंगे। इनको बहुत जरूरी है ट्रेन करना, नहीं तो क्वाड भरे भरे नहीं लगते हैं। पर इस पे मैं आऊंगा कैसे? यस, बस नहीं आएगी। हाँ,
ड्रॉप सेट ड्रॉप में हम दो दो प्लेटें निकाल देंगे, ऐसा लग रहा है किसी खाने की विधि बता रहा हूँ। इसमें दो चिमटी शक्कर डाल देंगे, नमक ये है अग्नि परीक्षा। नहीं होता भाई, ड्रॉप सेट में बहुत ज़्यादा चांसेस है इंजरी के, रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है इवन लाइट वेट भी, इसलिए औकात अनुसार। चल कटकर, इस एक्सरसाइज को आप मिस नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो मिस? क्योंकि ऑब्लिक, जो बड़े बड़े बिल्डर्स के आप ऑब्लिक्स देखते हो ना, वो लोग पेल के रशियन ट्विस्ट करते हैं, या फिर कोई सी ऐसी मशीन वाली एक्सरसाइज जहाँ पे उनके ऑब्लिक्स अच्छे से हिट हो रहे हैं। वैसे इसमें जो हमारी जो क्रंचेज वाली मशीन आती है उसमें भी हो ही जाते हैं, पर अलग से ट्रेन करने का अलग से फायदा है। तो 60 सेकेंड के लिए स्लो एंड कंट्रोल्ड। पता नहीं 60 सेकंड हुए कि नहीं, लेकिन इसकी 12 जरूर बज गई है। बाप रे, 45 केजी से हम अब इंक्रीज नहीं करेंगे। अच्छा 18-19 रेप में अच्छा खासा स्टिमुलस मिल रहा है। ड्रॉप भी ले लेते ड्रॉप ले लेते हैं। 55 से 30
बढ़ा लिया था थोड़ा सा। अभी अक्षय बस बंद कर देना इस ड्रॉप के बाद। So the workout is done. Workout is really good. Now you have to eat good, sleep good. जो essential supplement है उनको add करो। जो खाना घर पर बन रहा है उसको पूरी तरीके से eliminate मत करो। मुझे Instagram पर DM आया था कि मेरे coach मेरे को broccoli खिलवा रहा है। ऐसा मत करो यार। Indian food में जो nutrient है ना, गोरे तरसते हैं उस चीज़ के लिए। हमारा जो देसी घी है, देसी घी वो जो 300-400 रुपये 500 रुपये किलो मिलता है वो नहीं, देसी घी एक्चुअल देसी घी जो बिलोना मेथड से बना हुआ है वो गोरे तरसते हैं उस चीज़ के लिए। अंग्रेज लोग तरसते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो 3-4-5 हज़ार रुपये किलो में खरीदते हैं उसको वहाँ पे, और हमको तो और कम में मिल रहा है। उसको ऐड करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको बाहर का कुछ भी सैलेड और ये सब चीज़ देख के अपने डाइट में ऐड कर लेना, क्योंकि हमारा फेवरेट ओलंपिया बॉडी बिल्डर भी वही खाता है। ऐसा नहीं करना, इंडियन फूड को नहीं त्यागना है। उसमें से बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो हाँ, ब्रोकली और यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट ईटर नहीं बनना है आपको। जो भारत में मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, वो सब चीज़ें भी आपके थाली में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप अपने डाइट से पूरे कर लेते हो। जिस किसी पर्टिकुलर की डिफिशियंसी है वो आप डॉक्टर से चेक करा के सेपरेटली ऐड करो, ये है मेरे कहने का मतलब। और विटामिन डी और K2 MK7 एब्जॉर्प्शन बेटर, ये एक साथ सही जाते हैं साथ में। विटामिन D3 और K2 MK7, इसकी डिफिशियंसी आप मान के चलो कि है आपकी बॉडी में, इसको ऐड करो। आपके जॉइंट हेल्थ के लिए, जॉइंट सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और उसके अलावा बस फिर आपको अपना प्रोटीन देखना है, और वो चाहे सप्लीमेंट से पूरा करो या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एनिमल से पूरा कर सकते हो, एनिमल प्रोटीन से, और वेजिटेरियन हो तो फिर आप डेयरी और वे प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से। दैट्स इट। चलो मिलते हैं अब कल के व्लॉग में। धन्यवाद, बाय बाय। फाइनली गाइस, ये दिन भी ख़त्म हो गया हमारे पूरी तरीके से पुश करने के बाद, हमारे पूरी तरीके से नींद को पूरा करने के बाद, पूरी तरीके से डाइट को पूरा करने के बाद, और पूरी तरीके से अगला दिन चालू करने के लिए हम तैयार हैं। बस अब जाके सोएंगे खा पी के, और कल दुगने मोटिवेशन के साथ वी आर गोइंग टू टेक अवर अपर बॉडी वर्कआउट। अपर बॉडी को अच्छे से किल करेंगे, पर उसके लिए अभी रिकवरी ज़रूरी है, बिकॉज माय शोल्डर जो है अभी भी सो रहे हैं, और सोने के बाद ही वो सही से ठीक होंगे। तो चलो, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल।